दिस इज फॉर स्लीप बाम। और ये हो गया आपका जैसे की KFC चिकन, ये देखो। और आपका नाम? रावत। पूरा नाम क्या है? रावत करोना। अब वहाँ पे तो रावत ज्यादा होते हैं ना उत्तराखंड। कितना यहाँ पे क्या सैलरी का डिफरेंस है, मतलब वहाँ से यहाँ अर्निंग का डिफरेंस है? वही तभी यहाँ पे आ रहे हो ना यार, अपना घर छोड़ के कौन आ रहा है? तो रहना खाना सब उसी का ही है, आपका कोई मतलब नहीं। वीजा भी वही देखेगा आपने, अब देखे। तो ये शाम को 5 बजे अपनी दुकानें सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे नाइट बाजार का टाइम होने वाला है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे रात को लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। नाइट बाजार का मतलब जैसे हमारे दिल्ली के अंदर थर्सडे मार्केट लगती है या फ्राइडे मार्केट लगती है, समथिंग लाइक दैट। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, आपका स्वागत है। राम राम, नमस्ते। आई थिंक यू आर फाइन एंड यू आर गुड। हाई। तो अभी हम आए हैं नाइट बाजार में और हम चेक करने आए हैं यहाँ का नाइट बाजार कैसा है। ओके, आई गॉट दिस ना। How much for this? 220. 220. I got it for 100. 100. Nice. Wow. यहाँ पे आपको ना बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप सजावट के लिए घर के लिए ले जा सकते हो। Okay, they got watches. Oh my God! What is the price starting? What kind of watch? You do video? I do video. Yeah. Okay. तो जो वो लड़का था ना वो बर्मा से था, नेपालीस, तो उसको वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं लग रही थी तो उसने मना कर दिया। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी नाइट मार्केट में। ये इनका लोकल हो गया, आई थिंक ये तो फाइटिंग के लिए हो गया। क्रंचेस, आई डोंट थिंक यू कैन कैरी दिस इन एरोप्लेन। नो नो या सो मे बी इन द लगेज। नो 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 नो, आई डोंट थिंक वी कैन कैरी इन लगेज। ये सब हम कैरी नहीं कर सकते भाई। शॉल, पश्मीना शॉल, 100 baht is approximately, I guess, 250 rupees India. तो पश्मीना शॉल 250 रुपए की, it's quite good. तो ये है मार्केट का बिल्कुल एंट्रेंस, अंसारा मार्केट। आपको स्पेसिफिकली नेम मेंशन करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे आना बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे ना एक वो जैसे मैंने आपको कल दिखाया था रेड कलर की कार चलती है, आप उनको बोलो मुझे नाइट बाजार जाना है, और एक बंदे का शायद वो लेते हैं 50 baht के करीब, तो वो काफी सस्ता पड़ता है। यहाँ पे आपको छोड़ देंगे और उसके बाद आप आराम से नाइट बाजार देख सकते हो। ये एंट्रेंस है कुछ नाइट बाजार की। वैसे तो ये पूरी की पूरी लेन वहां से यहाँ तक नाइट बाजार है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको बिल्कुल बाजार के अंदर एंटर करना है तो आप यहाँ से एंटर करोगे। अब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, हमें कोई लेना नहीं है, बट हम चेक करने आए हैं कि यहाँ पे प्राइसेस कैसे हैं, क्या है। अब जैसे ही एंटर करते ही पहले यहाँ पे बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, अब बैग्स के क्या प्राइसेस हैं ये तो पता नहीं। मेन बात तो यहाँ पे आगे अटके कि प्राइसेस पे, यहाँ पे प्राइसेस कैसे हैं, क्योंकि प्राइसेस पे ही सारी चीज़ें हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार में आओ यहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती नहीं होती जितनी बोली जाती हैं, पर नाम के हिसाब से होती हैं। क्योंकि जैसे पीछे वो टी शर्ट दे रहा था वो 150 baht, उसने सिर्फ 250 baht बोला था और मैंने वो 100 baht की ली थी वहाँ से, वो भी बाजार नहीं था बाहर से। क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी है जो हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है फैमिली के लिए, पर हमारा टूर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मे बी और मे बी नॉट कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे ये कंफर्म नहीं है, बट देखते हैं। यहाँ पे सूट का बहुत चला ना, यहाँ पे लोगों को सूट का बड़ा शौक है। यहाँ पे आपको हर जगह पे पकड़ लेंगे, सूट वगैरह बनवाने हैं तो बनवा लीजिए, सूट के लिए बहुत लोग हैं यहाँ। ले लो सर, पूरा ले लो। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। और सबसे ज्यादा यहाँ पे नेपालीज हैं, बहामास के, नेपाल के, बर्मीज, ये लोग बहुत हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ये मेन बाजार है, सबसे सस्ता यहाँ पे, और बार्गेन इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो बार्गेन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, और इंडियन स्किल्स यहीं पे इस्तेमाल होंगे सारे के सारे आपके बार्गेन। ये देखो, और आपका नाम? संदीप ना, सावनदीप क्यों? सावनदीप पूरा नाम क्या है? रावत करोना। अब वहाँ पे तो रावत ज्यादा होते हैं ना उत्तराखंड में। अच्छा, तो अगर आप नाइट बाजार में आ रहे हो तो आपको इंडियन खाना भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये सही है, प्राइसेस ठीक है। आप ये तंदूर का है, नान वगैरह सब तंदूर का है? तंदूर इंडियन करी का भी है। अच्छा, मैं अभी जब घूम लूंगा ना, मैं आऊंगा जरूर। एंटर करते ही मिल गया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमस भी है, इनका नाम है सावनदीप, इंडियन रेस्टोरेंट है। चेक करते हैं, वापस आते हैं, इनका खाना कैसा है, क्योंकि मेरे को तो ठीक लगा। अगर इंडियन खाना है तो मज़ा आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब चलते हैं नाइट बाजार की तरफ। ये पड़े हुए डिफरेंट लाइटर्स। यू आस्क हाउ मच फॉर दिस? ओके, ये लाइटर है यहाँ पे गन की तरह। गन गिर गया, ये लेके जाओ, बाद में बोलना नहीं, मैंने चोर
प्राइजेस हम यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे, जो इन्होंने मेंशन किए हैं वो तो हम बता सकते हैं, पर जो नहीं किए वो नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्राइजेस ना जैसे लोग दिखते हैं ना उस हिसाब से बोलते हैं। मतलब प्राइस जैसे मैं दिखूंगा मुझे डिफरेंट बोलेंगे, यूएस का कोई दिखेगा उसको डिफरेंट बोलेंगे, यूरोप का कोई होगा उसको डिफरेंट बोलेंगे, एटलीस्ट ये लोग ना पहचान जाते हैं। जैसे ये 100 baht के 100 baht लिखा हुआ है यहाँ पे हर चीज़ का। जो प्राइस इन्होंने मेंशन किया है वो तो मैं दिखा सकता हूँ, पर पूछने पे प्राइसेस डिफरेंट हो जाते हैं, मेरे लिए डिफरेंट है, आप क्या होगे तो आपके लिए डिफरेंट। ओके देखो टाइगर बाम ये बहुत चलता है यहाँ पे भाई, टाइगर बाम बहुत चलता है। फटे तक सर फटे तो फटक से लगाइए टाइगर बम वाइट। ये नया टाइगर बम वाइट इसके चाइनीज हर्बल इंग्रेडिएंट्स प्रेशर पॉइंट्स पे काम करके जबरदस्त सर दर्द को भी मिनटों में मिटाए। हाउ मच फॉर दिस? 100 baht, मीडियम साइज 80, स्मॉल साइज 60 baht। ओके, इनके पास सारे बाम ही बाम है। दिस इज फॉर स्लीप बाम, फॉर स्लीप, इट्स फॉर नेचुरल। हाउ मच फॉर दिस? 150 baht। एंड can I smell? Sure. And how you use it? We have to? Yeah. Here. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And okay. Okay. And for you have something for cough as well? Like if, what do you call cough? For cold or something? Like how you explain, Carolina? What? That what my happened? Chest is blocked. You have something? Like, you know, my cough? Not for cough, but it's here. For the chest. Are you trying? So we got it for 230 baht. ये दोनों चीजें। You ask, you said this is for 100 and this is for 150, yeah? That one is, yeah. What? Okay, okay, 60. Okay. भाई मैंने ले लिया ये अपने लिए टाइगर बाम। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। एक ये पेन के लिए आता है, ये लिया मैंने अपनी मम्मी के लिए। एक लिया टाइगर बाम, वो होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है लेग पेन के लिए, और एक अपने लिए लिया है मैंने जैसे रात को नींद ना आए उसके लिए, आप लगा के सो सकते हो, नींद आने के लिए होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे खाने, जहाँ पे बाजार होगा वहाँ, जहाँ पे बाजार होगा वहाँ खाने पीने का भी इंतजाम होगा प्रॉपरली। हम थोड़ा खाने पीने की तरफ चलते हैं। दिस इज गुड, आई हैव सीन मैनी पीपल कैरिंग दिस। यहाँ पे इसका बहुत चलन है, भुट्टा बहुत खाते हैं लोग, जैसे इंडिया में खाते हैं ना स्वीट कॉर्न वैसे ही। और ये हो गया आपका जैसे कि KFC चिकन, वैसा ही हो गया ये बिल्कुल। नॉन वेज वालों के लिए तो यहाँ पे मतलब जितना मर्जी खाओ, प्राइस बहुत नॉमिनल है अगर आप खाने बैठते हो तो ऐसा। तो देखो ये तो मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि ये वेज के लिए, मतलब वेज पीपल भी डरे ना यहाँ आने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, वेज भी मिलेगा नॉन वेज भी मिलेगा, चॉइस आपकी है आप क्या खाना चाहते हो। वहाँ सामने भी एक इंडियन स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट है, वो भी देखते हैं वहाँ क्या है। भाई ये फ्यूजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने लिया भुट्टा, मक्की के दाने, मैंने लिया चीज में डिप। व्हेन आई टेल यू द फ्यूजन इज सो गुड, ऑसम, यू लाइक इट वेरी मच, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर। फ्यूजन बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट लाइक there is a myth in India that you come to Thailand you don't get a veg food, and I wanted to convey that there is a veg food. Yeah, it's not like only the non veg. Back 5-6 years ago was a little bit harder. Yeah. But now it's because it's like I told him, the problem is that every time we go look for food we are hungry and we don't know where we are. Hmm. So we end up going in the first places. I can do one thing. Yeah. We went to many restaurants that has a page now only for, especially for vegetarian. Even I have seen some vegan restaurant as well here. They serve vegan food. Yes. Shock to see. आप ये देखो ये खाने पीने की मार्केट, अब सामने ये आइसक्रीम रोल्स वगैरह मिल रहे हैं और ये कोन्स वगैरह बना रहे हैं, और ये खाने पीने की मार्केट, आप साफ सफाई देखो यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा कोई चलन नहीं है कि आप गंदगी करोगे, यहाँ पे साफ सफाई ही होनी चाहिए। बियर तो आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगी, अल्कोहल हर जगह पे है। उसके अलावा अगर बेस्ट थिंग आपको मैं बताऊँ ना, यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो वेज नॉन वेज का तो वरीड मत करना, अगर आप वेगन हो तो भी आपको खाना मिलेगा। यहाँ से हम निकल के ना थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा और मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट कैसी है, मार्केट में क्या है ये चीज़ देखें। ये देखो आप इंडिया की तरह इन्होंने भी रखा हुआ मिट्टी के बर्तनों में। हाँ मैं ये मानता हूँ यहाँ पे चिकन ज़्यादा, आई एग्री, यहाँ पे चिकन नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खाते हो तो ही आप यहाँ पे आ सकते हो, नहीं आप वेज पे भी आ सकते हो, ऐसी दिक्कत। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है,
एंड ये सारा वुडन वर्क है यहाँ पे, वुडन से इन्होंने क्रॉस सर्कल भी है और सारा यहाँ पे आपने चेस वगैरह सब इन्होंने बना रखी है। वुडन वर्क बहुत मिलेगा यहाँ पे आपको चीज़ों में। ये हैं कुशंस, कवर और ये पिल्लोज भी हैं, छोटे छोटे बैग्स भी हैं, ये भी सारा वुडन का है। लकड़ी का काम बहुत है, ये खाने में यूज़ होता है। 29 का वन पेयर, 100 के फोर पेयर्स, प्राइस इज ऑलरेडी मेंशन है कि आपको पूछने ना पड़े। ये बॉटल ओपनर्स है, क्लासिस है, सब कुछ क्लासिस है यहाँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको वहाँ मिलेगा इंडिया में, मतलब काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, पर फिर भी ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता। जैसे हमारे इंडिया में पेटीएम है ना, यहाँ पे भी UPI वगैरह चलता है, पर हमारे इंडिया का यहाँ नहीं चलता, यहाँ का अपना होना चाहिए। ये 170 का है, 300 के हैं, ये भी सब डेकोरेशन का ही है। यहाँ पे मैक्सिमम सारा डेकोरेशन का है, सारा A to Z। ओके, तो हम चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में और यहाँ कुछ खाते हैं। दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा। आ जाए, यू वांट टू सिट हियर इनसाइड? डन, यू सिट, आई जस्ट कम एंड रिकॉर्ड। बाहर ही बैठेंगे। कितना पुराना है ये? 7-8 महीने। तो इंडिया से यहाँ पे क्यों? अच्छा, ऑनर कोई और है यहाँ का? ऑनर कोई और है, आप सिर्फ जॉब कर रहे हो? किस नाम से? अलरीम। अलरीम कहाँ पे? मतलब यही? अच्छा, 5। अच्छा, आप भी उत्तराखंड से ही हो क्या? होटल शंग्रीला। हाँ हाँ, होटल शंग्रीला। अच्छा, इधर से जाओगे तो राइट हैंड में। कितना यहाँ पे क्या सैलरी का डिफरेंस है, मतलब वहाँ से यहाँ पे अर्निंग का डिफरेंस है? वही, तभी यहाँ पे आ रहे हो ना यार, अपना घर छोड़ के कौन आ रहा है? तो रहना खाना सब उसी का ही है, आपका कोई मतलब नहीं, वीजा भी वही देखेगा, अपने आप देखेगा, और आप कुक को यहाँ पे, तो दो ही लोग मैनेज कर रहे हैं स्टाफ में, तो उसका भी रेंटेड प्लेस होगा ये? क्या रेंट है यहाँ पे? 25-30 हज़ार रुपये महीना। फिर भी ठीक है यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये हो गई हमस। हमस ये क्या है? ये चीज नान है, ये चीज नान है ना, चीज नान। थैंक यू, दिस इज द कुलचा, हमस, एग प्लांट हमस, एंड दिस इज द गार्लिक नान। हम ये ट्राई करेंगे। फर्स्ट आई थिंक आई नीड टू रिकॉर्ड योर रिएक्शन, देन आई लीड। ओके, या यू नीड वाटर? यस, दे दो। नॉर्मल नॉर्मल कोल्ड इज फाइन, या यू शुड गेट सम नॉर्मल। इफ यू वांट टू टेस्ट सम हमस यू कैन हैव इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट हमस। यू लाइक इट? ओके, it's good. I love two, just one. You guys want one is enough? No, no, I don't eat water. So this that you said, it's eggplant, they hummus. Say hummus, eggplant hummus, yeah, they say that here because it's easier to say chickpea hummus because most people know the word hummus, so you say eggplant hummus. The original name in its origin country is Baba Ganoush. Baba Ganoush. If you say Baba Ganoush, you don't have to say eggplant. Everybody knows it's a paste with eggplant. Okay, okay. So basically in Brazil, इसको Baba Ganoush कहते हैं और यहाँ पे eggplant hummus इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहने में easy है, वरना hummus वो होती है जिसमें काले चने का paste होता है। इनके कहने का मतलब ये है, और अगर आप ब्राजील में या किसी ऐसी कंट्री में, वहाँ पे आपने कहना है बाबा गणोश, और वो समझ जाएंगे कि आपने एग प्लांट हमस खाना है। सो यू जस्ट हैव टू से बाबा गणोश। नो नो, स्पीक इट, इट्स ओके। देयर यू चोज समथिंग डिफरेंट ना, मैं मुझे रेस्टोरेंट में जाने के कोई प्रॉब्लम बांग्ला में जाऊं सर। Good. That's good. बहुत स्वाद है।
थोड़ा ठंडा है, गर्म नहीं है, और ये ऐसा ही होता है। और इसके ऊपर इन्होंने ना जैसे वो चकुंदर को ना ग्रेट किया हुआ है, ऊपर से धनिया वगैरह गार्निश किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह का भरता है पर अरेबिक स्टाइल में। हम ख़त्म करते हैं फिर मैं बात करता हूँ। ओके, दिस इज द सेम वन व्हिच आई गॉट बट डिफरेंट पैटर्न। वेरी नाइस। ओके, तो अब हम इस मार्केट से जा रहे हैं नाइट बाजार से, और अब इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। ये ब्लॉग सिर्फ इतना था, एक नाइट बाजार जहाँ पे खाने पीने का, घूमने का, और इंडियन रेस्टोरेंट है आपके लिए। और अगर यहाँ पे आना है तो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया, आपने लाल कलर की गाड़ी लेनी है, उनको बोलना है कि नाइट बाजार। यहाँ पे आना बहुत ही आसान है, आप यूट्यूब के थंबनेल में भी देख लोगे फोटो, और वैसे भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कहाँ पे आपने आना है, एंट्रेंस कहाँ से है। आपके लिए बहुत इजी रहेगा, और ये बाज़ार मस्ट विजिट है अगर आप आते हो तो, बहुत अच्छा है। खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है, अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बार्गेनिंग के स्किल्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, खुश रहें और आप स्वस्थ रहें। बाय, हास्ता ला विस्ता।